कौन सी लाइव आती किसी का इस बार ईद तो वैसे फुल बोरिंग है, मैं सुबह से अभी तक सोया रहा हूँ। चले चलते हैं थाया अबू के घर और फिर देखते हैं उधर से क्या सीन करना है। आजकल यार आपने कुछ व्लॉग्स में नोट किया होगा, मैं कैमरा टेढ़ा पकड़ता हूँ, पता नहीं हूँ। A few moments later. और इसको देखें यार, मिट्टू इसको कैमरा का पता है, अभी तक ये बोल नहीं रहा था। मिट्टू मिट्टू हाँ अच्छा रहे, काफ़ी मेहनत के बाद ये सब डन हो गया है और अब जो है इसके हिस्से बनाने रह गए हैं। अच्छा गाइस, इफ यू थिंक आपकी ईद जो है वो बोरिंग गुजरी है तो आई बेट के मुझसे बोरिंग नहीं गुजरी होगी यार। द मोस्ट बोरिंग ईद एवर यार। ये कलेजी किसी किसी को नहीं पसंद होती, आपको पसंद है कि नहीं? मुझे तो पसंद है, मैं खाता हूँ ताज़ी दाल बिल्कुल फ्रेश। अच्छा तो यार अभी मैं छत पे हूँ और ये जो है इधर कुछ अरसा कुछ टाइम जो है मुर्गियाँ रखी थी, ये क्लाउड्स ना लाइक लिटरली आई एम इन लव विद देम। इस तरह के जब भी क्लाउड्स होते हैं ना, वाओ यार मून अभी भी है, ये देखे नज़र आ रही ये दरमियान ये जो है मेरा तैयबू का घर है और ये ऊपर छत है। अभी यार चलते हैं, ऐसा है कि थोड़ी बोरियत ख़त्म करते हैं और जाते हैं। गोश्त के जो है वो हिस्से वगैरह बना लिए हुए तो जाते हैं, थोड़ा ये गंद मंद बना हुआ है सारा, अभी तक सफाई नहीं की। ओए लड़को, आपकी ईद कैसे गुजर रही है? आप व्लॉग में क्या कहना चाहेंगे शाहान, आप आज के व्लॉग में क्या कहना चाहेंगे? भैंस काटी है आपने? कुछ नहीं कहना चाहेंगे? कुर्बानी नहीं की आपने? आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। यू आर सो स्वीट यू नो। चले यार अभी लेजीनेस ख़त्म करते हैं और जाते हैं गोश्त बांटने जाते हैं। और गोश्त के बंडे रेडी रेडी पीछे रखें। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, कैसे हैं जदी भाई? फिट यार अल्हम्दुलिल्लाह। और ईद की तकरीब कैसी गुजरी? इस बार कोई बोरिंग नहीं थी यार? ईद ईद तो अच्छी ही होती है, बस काम शाम में फिर बोरिंग ही होता है बंदा ना। हाँ अभी फारिग तो काम तो शाम फारग हो गए, एंजॉयमेंट करेंगे। हाँ अभी कुछ चगल चगल करते हैं बस। अभी यार सुबह से मेरा तो दिन थोड़ा आज बोरिंग ही था, मैं पहले सो गया था क्योंकि उस वजह से भी। और इस बार एक बंदा जो है वो भी है ना, मिसिंग भी है, चाचू जानी। अच्छा हाँ अमजद भाई हैं तो वो कनाडा गए हैं, तो वी ऑल आर मिसिंग यू ऑफ कोर्स। आज वैसे काम भी थोड़ा सा लेट हुए। अच्छा तो आज कितने स्टॉप हैं जदी भाई? बस चार ही, घरों में जाना है। अच्छा तो गोश्त तो बहुत ज्यादा है मगर वो फैमिलीज बड़ी बड़ी हैं तो फिर वो खुद ही दे देंगे आगे से। सही है, मुख्तलिफ घरों में दे देंगे, हम बस चार घरों में जाएंगे बस। ये तो गुड हो गया। और अभी जो है पहला स्टॉप आ गई है। अच्छा यार एक स्टॉप जो है वो डन हो गया और अभी चलते हैं आगे। गैस इन ठंडी हवाओं को ना इतना मिस करता हूँ जब उधर मैदान में होता हूँ यू नो। अभी इधर ना हवा ठंडी है दोपहर से आ रही, उधर बड़ा मिस करता हूँ। मौसम बहुत अच्छा है यार, पता ही नहीं चलता। सही बात वही हमें मैं अक्सर ऑडियंस को कहता होता हूँ कि पहले सब लोग कहते थे ना कि यार तुम लोग जन्नत में रहते हो, ये वो इतना फील नहीं होता था। हमने कहा क्या है यार ऐसे इधर भी गर्मी होती है, अब पता चलता है। 26 डिग्री चल रहा है तो जबरदस्त मौसम है, रात को बारिश भी हो जाएगी इंशाल्लाह।
जबरदस्त है, उधर तो बस सांस लेना मुश्किल हुआ है। अच्छा नेक्स्ट स्टॉप किधर जाना है? नेक्स्ट स्टॉप बस मेरा ससुराल है और खाना भी है। अच्छा सही हो गया, पहले पेट्रोल डालेंगे मुझे गाड़ी में, जाहिर खुद में तो डाल नहीं सकते आपका फुल है गाड़ी में ही डालेंगे हम, तो मोस्ट खाए है ना अभी। हाँ अभी हम फिट हो गया है भाई, कलेजी वगैरह मारी है। अच्छा तो गाइस यार दूसरा स्टॉप भी डन हो गया है, अभी ये रह गया और इसको लेके जा रहे हैं अभी। अभी किधर जाना है देखते हैं, किधर जाना है चलें यार, ख़राब रास्ता है, ख़राब रास्ता है। आई होप कि ये जो मुझे गीला गीला फील हो रहा है ये खून ना हो, पता नहीं कुछ लगा तो है। तो गाइस यार ये रात होगी अब तकरीबन और अभी ये सीन है कि अभी भी हमारे दो स्टॉप्स रहते हैं और थक गए होंगे यार यदि भाई। मजदूर बंदा कभी नहीं थकता है, हम लोग मजदूर हैं और मुसाफिर भी। अच्छा तो यार अब जो है वापस आ गए घर और मैं अपने घर तो नहीं कहा बुक गई हूँ, लेकिन ये है कि अभी वापस ही जाते हैं घर और बाकी जो है गोश्त वगैरह बांट लिया, सारा काम डन हो गया, बस अभी फ्री है। आप लोगों की कैसी गुजरी? ये रयान मेरा भतीजा है, सुना है ना क्या किया? काम किया सारा दिन, गोश्त काटा है और ये हम थोड़ा सा फोन कर रहे हैं, कल बैठे हुए बस गपशप कर रहे थे। और डिम्पल बॉय पिछले पिछले व्लॉग खैर मुबारक, पिछले व्लॉग में आपने बड़ा दर्द भरा गाना सुनाया था, वो क्या किसको याद करके सुनाया था पहले ये बताएं। वो मैंने किसी को याद करके नहीं सुनाया था, नहीं इतना दर्द आवाज में वैसे नहीं आ सकते है। वैसे आपने देखा था? नहीं देखा अभी, अबे जाओ देखो ना जल्दी करो, क्या कर रहे हो। अच्छा इसका गाना जरूर सुनना, उसमें वो लास्ट में आता है, खैर स्किप करके देख लो लेकिन देखना। अच्छा वो उतना जो है ना फील आवाज में वैसे नहीं आती है, कुछ कुछ किसी को सोचा होगा। कौन सी लाइव थी? किसी का नहीं, वो नाम भी लिया है कुछ, कोई नाम भी लिया है, कोई लाइव नहीं। ओ कोई लोड वाली ना हो, सब लोड वाली वो देखना सही भाई, मुझे तो लगता है नहीं वैसे है बंदा प्यारा है, इतना जल्दी नहीं पिघलेगा ये, ऐसे में बड़ा सख्त लौट रहा हूँ लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। नहीं सच सच बता दें, ऑन कैमरा बता दें, बाबा मामा को भी पता चल जाएगा किसको याद करके गया था गाना। दिमाग में सोचे कोई याद आ जाए शायद, कोई कोई लैबा, कोई फातिमा, कोई अरिजीत सिंह, बेचारा वो उसकी शक्ल देख के भी वैसे गाना आता है। पांच सौ वाली लैबा हो सकती है, अरिजीत सिंह जैसे गा रहे तो बस मैं भी गा रहा हूँ। चलो यार सही। अच्छा यार दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, आई होप यू लाइक द व्लॉग एंड आई होप यू एंजॉयड योर डे। ओके तो गाइस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यू बेटर नो व्हाट टू डू, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और यार लेट्स हिट 300 एज सून एज पॉसिबल। हाँ लाइक भी करना जरूर। ओके सो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।